I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. छोटे मालिक, आपने देखा नहीं? आपकी भतीजी कैसे झोपड़पट्टी के लड़के के साथ घूम रही? तो क्या हुआ? Check please. आपको नहीं लगता उसकी शादी किसी बड़े से खानदान के अच्छे से घर में एक सुंदर और स्मार्ट लड़के से होना चाहिए? अब ये बड़ा सा खानदान, अच्छा सा घर, सुंदर सा हैंडसम लड़का कहाँ से लाएंगे? छोटे मालिक, मैं हूं ना वर्तमान में, ऐसे भविष्य के सपने सजाएगा ना तो मेरे हाथ से एक दिन भूत हो जाएगा तू। और वैसे भी सुमन अगर किसी झोपड़पट्टी के लड़के के साथ शादी करना चाहती तो करे, जाए ब्याह करे। मैं तो चाहता ही ये हूं कि सुमन मेरी नजर से और मेरी दौलत से हमेशा के लिए दूर हो जाए। सुबह सुबह मुफ्ती पी के आ गया, चल घर घर चल। अबे बांस आ रही है तेरे मुंह से, किसने पिलाई तेरे को? रोनी ने पिलाया भाई। रोनी ने पिलाई? रोनी कहाँ है? गटर में। गटर में? भाभी भाभी मैं आ रहा हूँ भाभी। बोलो। भाभी नमस्ते, मैं बहुत खुश हूँ भाभी आए। तुम्हें क्या बताऊँ, ये शेखर तुम्हारे लिए कितनी मेहनत किया, ये हमेशा सोचता था कोई करोड़पति लड़की पटाओ और उससे शादी कर लूँ भाभी, ताकि एक करोड़पति बन जाए। क्या बकवास कर रहा है? हमारा भी स्ट्रगल खत्म हो जाए और हमको भी करोड़पति बना दे। क्या बकवास कर रहा है? हैंडसम, मुझे सच बोलने दे हैंडसम। मैं क्या बताऊँ भाभी, ये मॉल में आती जाती हर लड़की को पटाने की कोशिश करता और वो नौकरानी निकलती। आप पट गई भाभी, मुझे बहुत खुशी है भाभी। इसको ले जा भगवान। क्या कर रही है? इसकी बातों में मत आना भगवान। इनकी शादी हो जाए भगवान, ये हनीमून पर जाए भगवान, हे भगवान। अरे सुमन, इसकी बातों में मत आना, पागलपन के दौरे पड़ते इसे। ये बकवास कर रहा था, बिल्कुल बकवास है ये। बकवास? पागलपन में कह रहा था वो सब कुछ? हाँ सुमन, या यूं कहो कि जब कोई सच कहता है तो लोग उसे पागल कहते हैं। करोड़पति बनना चाहते थे ना तुम, यही सपना था ना तुम्हारा? सुमन मेरी बात तो सुनो, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। सुमन प्लीज। आई हेट यू। बेटा सुंदरलाल, मारो ब्याज को नहीं आयो, तीसरा सुपरहिट सप्ताह चल रही हो है, अपार भीड़ खींच रही हो है, मारो पिशा लेके फटाफट पधारो मारे देश केसरिया बालम, ते कत्ता भी बड़ा हो सूरमा, खाने खिला दूंगो दाल बाटी चूरमा, केसरिया बालम। और कौन सा गाना है वो मार्केट में? भाई मार्केट गाए नहीं बहुत दिन से। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अरे वो तो भजन है। ए थाने आवे के। अरे वो तो अलाप ले रहे हो क्लासिकल में। प्यार गया, पैसा गया और गया व्यापार, अब आप बताओ कैसे चुकाएंगे दया का उधार? तू सोच। मैं? एक उपाय है मालिक। क्या? अगर बड़े मालिक मर जाए। अबे बेवकूफ, ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन बुढ़ा कुंडली मार के बैठा है दौलत पे, मरने का नाम नहीं ले रहा है तो मैं बड़े क्या मालिक करूं? मर नहीं रहे हैं तो उनको मारा भी जा सकता, लेकिन वो यानी कि मर्डर। हाँ, कौन करेगा? आप पागल हो गया तू? अरे मैं कब कह रहा हूँ कि आप उनका गला मसक के फांसी पे चढ़ जाओ, इतना कानून तो मैं भी जानता हूँ। तो फिर कौन करेगा मर्डर? अरे अपने पास आदमी है ना, डॉक्टर तुसा। अरे सुंदर, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। हाँ डॉक्टर साहब, कुछ मत बोलिए, सिर्फ सुनिए। ये जो पिताजी की हालत में, कुछ नहीं कर सकते, ये नियति थी। पर डॉक्टर साहब, नियति तो बदली जा सकती है। अबे काले कोट, ये नियति है, नियत नहीं जो बदली जा सके। पर डॉक्टर साहब। वकील। डॉक्टर साहब, मैं क्या बोल रहा हूँ, 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 150 करोड़ ले दे के आज की परिस्थिति को बदला नहीं जा सकता है क्या? वाह क्या बात है, पिता के आगे पैसे को तुच्छ समझने वाले सुंदर, तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हारे पिताजी गलत थे, वो गलत सोच रहे थे तुम्हारे बारे में। इसका मतलब है कि आप हमारा साथ देंगे? हाँ, ऐसी परिस्थिति में
हर कोई साथ देता है। मैं हूँ, साथ में वकील है, तुम हो, बाकी सारे लोग हैं, सब साथ देंगे। ये सब साथ में क्यों होंगे? अंतिम यात्रा में तो सब साथ में ही होते हैं। क्या मतलब? हिम्मत राम जी का देहांत हो चुका है। लगता है बहुत गहरा सदमा पहुंचा है, लेकिन ये हंस क्यों रहा है? आपने खुशी के आंसू देखे? हाँ। ये गम की हंसी है। आ गए? हाँ। नमस्ते। हाँ नमस्ते डॉक्टर साहब, ये कुर्ता बड़ा प्यारा है। मनीष फड़नीस ने डिजाइन किया है। हैं? नंबर है? मोबाइल रखते नहीं वो। आप कौन हो? मनीष फड़नीस। आज नाश्ता किया? नहीं। चलो फिर मैं करके आता हूँ। आई डोंट नो डॉक्टर साहब। यार ये सुंदर बड़ा खामोश लग रहा है, चेहरे पे ना हंसी है ना गम। शौक लगा है। जिनका इकलौता बाप मर जाता है ना, वो ऐसे ही खामोश हो जाते हैं। खुशियों की हो रही है बारिश, जम के नाइए। दुनिया को दिखाने के लिए सही दो चार आंसू तो बहाइए। वकील के बच्चे सुंदरलाल रोने के लिए नहीं, रुलाने के लिए पैदा हुआ है। फोन लगा, जायदाद का क्या हुआ पता कर। सब्र कीजिए, कॉल आती ही होगी अपने सॉलिसिटर की। आ गया फोन। आ गया खुशियों का पैगाम। क्या बुड्ढे ने मरते मरते सारी जायदाद सुमन के नाम कर दी है? ऐसा होता है बेटा, इसे कहते हैं पिता के मरने का गम। आजकल के कलियुग के जमाने में ऐसा बेटा होना कमाल है। लेकिन आज ये अचानक इतना जोर जोर से रोने क्यों लगा, वो भी 13 दिन के बाद? सब कलयुग है क्यों वकील? हाँ, इस दर्द के पीछे सब कुछ खोना है, अब तो इसे जिंदगी भर के लिए रोना है। अबे बुड्ढे, अबे खुद तो मर गया और मुझे भी बेमौत मार डाला। मालिक, वकील, घर में इतना बड़ा कांड हो गया और तुझे कानों कान खबर नहीं चली? आपके घर के सर्कस का जोकर हूँ, मुझे मालिकों के मन का क्या पता चले, मैं तो नौकर हूँ। अबे तू है तो वकील ना। जब मेरा बाप मुझे जायदाद से बेदखल कर रहा था, उस वक्त तू क्या कर रहा था? आपके साथ शराब पी रहा था मालिक। मैं तो बर्बाद हो गया, अब क्या होगा? हो तो बहुत कुछ सकता है मालिक। आपके पिताजी ने पूरी जायदाद आपकी भतीजी के नाम कर दी है और वो अपनी मर्जी से किसी को भी जायदाद दे सकती है, लेकिन यदि वो इस दरमियान मर गई तो पूरी जायदाद ट्रस्ट को चली जाएगी। लेकिन आपके पिताजी ने आपको महीना एक बंदी रकम देने की बात कही है। अबे उससे मेरा क्या होगा, मुझे पूरी जायदाद चाहिए, मुझे रास्ता बता बता। एक रास्ता है मालिक, अगर आप सुमन की शादी करवा देते हैं तो कानूनन पूरी जायदाद उसके पति की हो जाती है, और उसका होने वाला पति अगर आपका पपलू निकला तो पूरी जायदाद बड़ी आसानी से आपके नाम कर देगा। मगर ऐसा पपलू मैं लाऊंगा कहां से? एक सलाह दूं आपको। चुप, तू
साला और तेरी साला मुझे नहीं चाहिए। मैं समझ चुका हूँ कि अभी संसार में मेरा कोई नहीं है सिवाय मेरी डार्लिंग एकता के, वही मुझे सही सलाह देगी। बुढ़ो मैं जा रहा हूँ। एकता आई लव यू डार्लिंग, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। मैं उठा के फेंक दो इस कंगाल को। अबे क्या कर रहा सालो? अबे तू फिर आया साले? अबे सालो चुप है साले। अबे सालो मेरा नाम है विवाह विनायक वासुदेव हरणे, वर वधु को धरने और उनकी शादी करने। फिल्मी ब्रांड लाया है आपके लिए दिल की हसरतों को निकालने का, पूरा करने का एक सुनहरा मौका। क्या पैसा दामा चाहते हैं जो आपकी मुट्ठी में बंद रहे? क्या पैसा दामा चाहते हैं जो आपके इशारे पर हर कागज पर साइन करने को तैयार रहे? जो आपका अपना पिट्ठू हो, आपका अपना बबलू, जो आपके इशारे पर उठे बैठे नाचे गाए, तो आज ही आइए हमारे पास। मिलिए vivahshaadi.com, यहाँ होगा आपकी जिंदगी की हर समस्या का समाधान, निवारण, निदान सिर्फ एक ही जगह, वन एंड ओनली वन, vivahshaadi.com। खट 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 कंप्यूटर चट शादी फटाफट सिंदूर। नमस्कार। चलें। पिछले 7 पीढ़ी से हमारे घर में शादी करवाने का खानदानी काम है। हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर जनरल डायर की शादी करवाई थी। यस। हमारे ग्रैंडफादर दादा फाल्के की शादी करवाई थी। रक्त। उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में शादी का रिवाज शुरू हो गया। रिवाज शुरू होने के बाद हमारे फादर ने अमित और जया की शादी करवाई। जया शादी करने वाली नहीं थी, मेरे बाप ने बोला ए बुटकी चल शादी कर, ये लंबू जो है तेरे सामने झुकेगा, और वो लंबू जो है उसका सामने झुकता किसी के सामने झुकता नहीं है। अमित का अभिषेक हो गया। शेख के बाद शाहरुख और गौरी की शादी मैंने करवाई। रुक, गौरी का बाप मानता नहीं था, मैं बोला मान जा, एक दिन ये फिल्मों में बादशाह बनेगा, और बादशाह फिल्म रिलीज हुआ कि नहीं तब से लेके आज तक मेरा पैर छूता है वो। कौन? शाहरुख? शाहरुख नहीं, गौरी का बाप। कौन है आप? आई एम एडवोकेट बाबूलाल फांसी वाला। इनके लिए एक सुंदर, सुशील, समझदार, सस्ता और टिकाऊ लड़का चाहिए। ऐसा टाइप का पहला केस मेरे पास आया है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करेगा, जवान देता नहीं मैं। लेकिन सर शादी के लिए एक समस्या है। क्या गुप्त रोग है क्या? अरे टेंशन लेने का नहीं, मलाड ईस्ट बाबा मदरसी है, खुजाते खुजाते जाने का, पैसा भी कमती लेता है। नहीं सर आप गलत समझे, दरअसल इनकी भतीजी के लिए एक लड़का चाहिए, और ये बात मैं आपको अकेले में समझाना चाहता हूँ। अकेले में? अरे 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 आओ, वांदा नहीं। अरे चलो रे। लैपटॉप, टिपटॉप में आके लैपटॉप लेके चला गया। और चलो, आपका समस्या क्या है? हर समस्या को हरने के लिए हाजिर है हरणे। काम बहुत टेढ़ा है, सीधा करना पड़ेगा, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा? लो 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 10% आप रख रहे हैं। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। 10% 100 करोड़। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा, जय गणेश देवा। चाचा जी आप पहले प्रसाद खा लो गुड़िया। तुम यही सोच रही हो ना कि अचानक तुम्हारा ये शराबी नालायक चाचा पूजा पाठ कैसे करने लगा? हाँ, मेरा मतलब है कि होता है गुड़िया, होता है। हर पापी की जिंदगी में एक ना एक दिन ऐसा आता है जिस दिन उसका सामना सच से होता है, जैसे वाल्मीकि के साथ हुआ था ना।
बस पिताजी के देहांत के बाद वैसे ही सत्य से सामना मेरा हो गया। और तुम तो जानती हो कि पिताजी का सपना था कि वो तुम्हारी शादी करे और एक पुत्र होने के नाते उनका ये सपना पूरा करना मेरा कर्तव्य है। अब मैं सही कह रहा हूँ ना? चाचा जी, मैं बता नहीं सकती कि आपका ये रूप देख के मुझे कितनी खुशी हो रही है। बस इस खुशी को तुम और भी दोगुना कर सकती हो शादी के लिए हाँ करके। लेकिन अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ चाचा जी, शादी के लिए हाँ तो मैंने दादाजी के रहते ही कर दी थी। जहाँ तक रही पसंद की बात, तो जो आपकी पसंद वही मेरी पसंद। वाह! अरे वाह गुड़िया वाह। फॉर एक्सक्लूसिव क्लासिक मूवीज डाउनलोड शिमारू मी ऐप नाउ।